नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। तो गाइस, क्या आप भी गेटेड सोसाइटी देख रहे हैं जहां पे आप खुद शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो ओन हाईवे हो? ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही आपका खरड़ लुधियाना हाईवे पे लोकेटेड है, प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है जहाँ पे आपको चिल्ड्रन के लिए पार्क मिल रहा है। और ये रहे हमारे अपार्टमेंट्स जो कि हमारा 3 BHK है। इसके अगर हम साइज की बात करें, 1400 स्क्वायर फीट इसका साइज रहेगा। जो 500 स्क्वायर फीट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें हमने ग्रीन एरिया का यूज कर सकते हैं आप, वो आपका पार्क रहेगा, राइट। प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रॉपर हमारा यहाँ पे गेट रहेगा और स्टार्टिंग प्राइस जो है वो आपका 5890 से स्टार्टिंग प्राइस रहेगा। प्रॉपर आपको पार्किंग की समस्या आ रही होगी, बट यहाँ पे अगर आप घर लोगे कोई पार्किंग की समस्या नहीं आएगी। ग्रीनरी का हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दिया है। सीवरेज का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का सारा कनेक्शन आपका गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, राइट। तो चलते हैं सीधा, ज़्यादा देर ना करते हुए आज दिखा रही हूँ आपको 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट जो कि लेविश इंटीरियर व्यू है जिसका। तो चलते हैं सीधा हम अंदर की तरफ को। लिविंग स्पेस जो बहुत ही प्यारा बनाया है, फर्नीचर गाइस इसमें इंक्लूड नहीं है। आप इस तरह से आप अपने घर को जो है डेकोरेट कर सकते हैं सोफा विद टेबल के साथ। यहाँ पे देखिए आपको 4-6 सीटर सोफा विद टेबल इजीली आप प्लेस कर सकते हैं। वॉलपेपर देखिए एक बार, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वॉलपेपर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ को देखिए, बहुत ही प्यारा सा आपको डाउन सीलिंग का डिज़ाइन ये सेम आपको एज इट इज़ इसी तरह से मिल रहा है। तो गाइस, और आपको लॉबी के साथ भी यहाँ पे आपको अटैच बालकनी मिल रही है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये आपकी बालकनी रहेगी प्रॉपर। तो इसी के साथ ही आप आते हैं अंदर की तरफ, तो मैं आपको दिखाती हूँ डाइनिंग स्पेस। ये हमारा डाइनिंग स्पेस है जहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं। अभी हमने फिलहाल 4 चेयर विद टेबल प्लेस करा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ ही अगर हम इस साइड को चले, या जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेडीज़ का, वो आता है किचन एरिया। तो आपको यहाँ पे देखिए एल शेप में गाइस किचन मिलेगा, और ये एक्स्ट्रा वर्क हमने करवाया है, ये बीच में इंक्लूड नहीं है। अगर आप करवाना चाहते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो किचन मॉडिफाई करा है वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, ये देख सकते हैं यहाँ फ्रिज के लिए स्पेस है। आप डबल डोर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, सिंगल डोर लगाना चाहते हैं वो भी, और ओवन माइक्रोवेव के लिए भी आपको स्पेस दिया है। ये आपके प्रॉपर कबर्ड्स रहेंगे। चिमनी के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ प्रोविज़न दिया है, यहाँ पे आपका गैस स्टोव आ जाएगा, और नीचे की तरफ को प्रॉपर काउंटर। और इस साइड को देखिए तो आपको यहाँ पे डबल सिंक मिल रहे हैं, और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे विंडो, राइट। गीजर के लिए, आरओ के लिए, सारी चीज़ों की प्रोविज़न हमने यहाँ पे आपको करवा के दे रहे हैं। तो आए फिर चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में जाने से पहले यहाँ पे देखिए आप इस तरह से इस घर को डिज़ाइन कर सकते हैं जो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप टेंपल भी बनाना चाहते हैं वो आप इजीली बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ ही आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो बहुत प्यारा बना है। आप इसको एज अ किड्स रूम भी यूज़ कर सकते हैं, या मास्टर बेडरूम आपने बनाना है वो भी बना सकते हैं। 6x6 का बेड लगा है, बोथ साइड आपको बहुत स्पेस रहती है जहाँ पे आप इजीली मूव हो सके। वॉल पे वॉलपेपर लगा सकते हैं, डाउन सीलिंग लगा सकते हैं, और आपके सामने की तरफ को रहेंगे कबर्ड, राइट। और इस साइड को देखें तो ये आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम जो बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही अच्छे साइज में हमने यहाँ पे बनाया है। इसमें शावर का, गीज़र का ऑलरेडी हमने प्रोविज़न दिया है, वेंटिलेशन का। तो इसी के साथ ही इस साइड को देखें, ये आ जाता है आपका बालकनी एरिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि तीनों बेडरूम के साथ अटैच आपको बालकनी मिल रही है, इस साइड को आपका रहेगा जो 500 स्क्वायर फीट में जो गार्डन बनना है वो वाला एरिया ही है, राइट। तो चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो इसी के साथ ही आप इस साइड से आते हैं, और आपको इस घर में लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से बाय कर सकते हैं। फिर यह जाता है हमारा वॉशरूम, ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल रहा है जिसमें फुल हाइट तक टाइल का वर्क मिल रहा है, राइट। तो इसी के साथ ही इस साइड को देखिए तो ये आ जाता है आपका मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही लग्जरी बनाया है हमने। आप इसी तरह से अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं। स्लाइडिंग डोर देख रहे हैं आप,
आप ये चीजें लगा सकते हैं, LCD पैनल आप लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ को देखिए डाउन सीलिंग प्लस आपको यहाँ पे इसके साथ अटैच आपको यहाँ पे बालकनी मिल रही है, राइट प्रॉपर। और बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है गाइस, आपको गेटेड सोसाइटी मिल रही है, सोसाइटी के अंदर ही आपको डेली नीड्स की शॉप्स मिल रही है, पार्क मिल रही है, और नियर बाय जो फैसिलिटीज होती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह वो सारी चीजें आपको नियर बाय मिल रही है। तो गाइस और बताएं आपको इस अपने जब भी आप घर लेते हैं और किस चीज की सुविधा चाहिए, यही सुविधा चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर मैं पर्सनली घर परचेज करूँ तो गाइस ये देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा आपका बेडरूम आ जाता है जो बहुत ही अच्छे से हमने डिजाइन किया है। ऊपर की तरफ को डाउन सीलिंग और इसी के साथ हमने आपको यहाँ पे अटैच वॉशरूम दे रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा 3BHK का अपार्टमेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट करें। इसका जो साइज था वो आपका 1400 स्क्वेयर फीट में बना है और आपको सोसाइटी के अंदर सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ है, लोन फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है, गेटेड प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा इसका जो प्राइस रहेगा स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 5890 का। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहे ताकि हम आपके लिए ढेर सारी वीडियोस लेके आए इसी तरह से बहुत ही प्यारी प्यारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।